प्यारे बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ में एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। फर्स्ट इसमें कौन क्वेश्चन, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना, लिखेंगे घनाकार डिब्बे की विमा, विमा बोलते हैं साइड को, भुजा को, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसीलिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यह मालूम होना चाहिए कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है चारों भुजाओं का क्षेत्रफल। ये घनाकार है, घनाकार का मतलब हमारा जो आधार है उसका क्षेत्रफल वर्गाकार हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल साइड टू साइड होता है, चार भुजा होंगी हमारी, चार भुजाओं का मतलब चार का करते बुरा एक भुजा के क्षेत्रफल में हो जाएगा 4 × भुजा स्क्वायर इक्वल टू 4 × हमारी भुजा दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू ये जाएगा 100 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे तनाव का डिब्बे की लंबाई इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, घनाकार डिब्बे की चौड़ाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड घनाकार डिब्बे की ऊंचाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसीलिए घनाव का डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चारों साइडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप क्या होता है 2l + b × h, मान लाएंगे हम इसमें 2 × l 12.5 प्लस बी 10 × h 8, ये हो जाएगा 2 × प्लस करेंगे हो जाएगा 22.5 × 8 टू का करने से मल्टीप्लाई 2 × 10 1 × 4 × 5 × 4 × 8 इक्वल टू 0.8 × 40 4 × 8 = 30 2 + 4 = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल आया हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल आया हमारा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका अधिक है, हमारे घनाकार डिब्बे का अधिक है, ये 400 है, ये 360 है, लिखेंगे इसीलिए घनाकार डिब्बे
का पार्श्व राष्ट्रीय क्षेत्रफल इसमें से इसको माइनस करेंगे 400 माइनस 360 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया फिफ्थ का सेकेंड घनाकार डिब्बे की विमा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसीलिए सेकंड पूछ रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कुल राष्ट्रीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण राष्ट्रीय क्षेत्रफल से, यानी का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमको यहां ये निकालना है इसीलिए घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कुल राष्ट्रीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण राष्ट्रीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, हमारे घन में कितनी साइड होती हैं, छह साइड होती हैं, चारों साइड और एक बॉटम और एक टॉप। ये हो जाएगा सेक्स इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू सेक्स इंटू भुजा हमारी 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 100 इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे घनाभ का डिब्बे का की लंबाई इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। घनाभ का डिब्बे की चौड़ाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड घनाभ का डिब्बे की ऊंचाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसीलिए घनाभ का डिब्बे का कुल राष्ट्रीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ये हो जाएगा, ये मान लगाएंगे फॉर्मूले में 2 L 12.5 इंटू 10 प्लस BH 10 इंटू 8 प्लस LH 12.5 इंटू 8। सॉल्व करेंगे इसको 2 ब्रैकेट में तेरह का करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 125 प्लस ये हो जाएगा 80 प्लस इसका क्या मिलता है, यहाँ 0 हो गया पॉइंट लग गया, 8 2 16 प्लस 4 20 0 हाथ में 2 हो जाएगा और 8 8 प्लस 2 1 2 10 हो जाएगा। ये हो गया 100 इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा 305 इक्वल टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है आगे, किस डिब्बे का कुल प्रक्षेपण कम है और कितना कम है। यहाँ घनाकार डिब्बे का आया हमारा 600 और घनाभ का डिब्बे का आया हमारा 610
तो किसका कम हो गया, धनाकार कम हो गया, लिखेंगे इसीलिए धनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 माइनस 600 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधा भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है, यह पौधा घर 20 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो उसमें फर्स्ट कह रहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। लिखेंगे पौधा घर की लंबाई इक्वल टू सेंटीमीटर, पौधा घर की चौड़ाई इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पौधा घर की ऊंचाई इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देयरफोर पौधा घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में ध्यान रखना है हमेशा, छह साइड आती है हमारी, टॉप मतलब छत, नीचे फ्लोर और चारों साइड ये आती है संपूर्ण में, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका क्या है, टू ब्रैकेट में एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच इक्वल टू टू, एल का वैल्यू रखा है 30 प्लस एल का वैल्यू रखा 30 इंटू बी का मान दे रखा है 25 प्लस बी 25 इंटू एच 25 प्लस एल 30 इंटू एच 25 इक्वल टू टू करेंगे मल्टीप्लाई 750, इसका करेंगे 625 प्लस इसका करेंगे 750 इक्वल टू टू इंटू इनको प्लस करेंगे तो 5 और 2 7 और 5 12 1 कैरी 7 थी 21 इक्वल टू 0.524 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया पौधा घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड क्वेश्चन है इसमें सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, लिखेंगे सेकंड सभी 12 किनारों पर लगे टेप की लंबाई बराबर, हमारे 12 किनारे हो जाएंगे, 12 किनारे मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा ये है साइड, एक किनारा ये हो गया चार हो गए, अब एक किनारा ये हो गया छह, एक किनारा ये हो गया सात, एक किनारा ये नौ, एक किनारा ये दस, अब इधर आएंगे हम एक किनारा ये हो जाएगा हमारा, एक किनारा ये हो जाएगा, इस तरह से 12 किनारे हो गए, तो ये 12 किनारे चार किनारे हो गए हमारी लंबाई में, एक तो ये हो गया किनारा, एक ये हो गया किनारा लंबाई में, एक किनारा ये हो गया लंबाई में और एक किनारा ये हो गया, तो चार किनारे तो लंबाई के हो गए और चार किनारे होंगे हमारी चौड़ाई के,
एक ये हो गया चौड़ाई का, एक ये हो गया चौड़ाई का, और एक इधर से हो जाएगा चौड़ाई का, और एक ये हो जाएगा चौड़ाई का। चार किनारे हो गए चौड़ाई के, अब चार किनारे आएंगे हमारे ऊंचाई के। कैसे? एक ये हो गया ऊंचाई का, एक ये हो गया, और एक इधर से हो गया, और एक ये वाला हो गया। तो ये चार किनारे हो गए हमारे ऊंचाई के। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 किनारों पर टेप लगे टेप की लंबाई क्या हो जाएगी, 4L प्लस 4B प्लस 4H। ऐसे कर लें, हम यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B प्लस H इक्वल टू 4, जैकेट में L का वैल्यू 30 दे रखा है, प्लस B 25 दे रखा है, प्लस H 25 दे रखा है, क्या हो जाएगा 4 इंटू ये हो गया 50 प्लस 30 80 इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जो 12 किनारे हैं उन पर जो टेप लगा है उसकी लंबाई 320 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। दो मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्याप्तता, अतिव्याप्तता मतलब क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा लगता है सामान उसको बोलते हैं हम अतिव्याप्तता। हमें जरूरत है 10 मीटर की, हमारा लग रहा है वहां 11 मीटर, तो जो 1 मीटर एक्स्ट्रा हुआ इसको बोलेंगे हम अतिव्याप्तता। के लिए कुल क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। इस गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने के लिए कितनी लागत लगेगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि शांति स्वीट वाले ने दो प्रकार के डिब्बे ऑर्डर दिया बनाने का, एक छोटा वाला था एक बड़ा वाला था। जैसे हम कोई डिब्बा बनाते हैं तो किनारों पर कोस एक्स्ट्रा होता है, तो एक्स्ट्रा होगा तभी तो जॉइंट देंगे हम उसमें, तभी तो वहां स्टेपलर करेंगे। उसमें जितना हमारा क्षेत्रफल आएगा उसका 5% एक्स्ट्रा लगेगा। जो किनारे में एक्स्ट्रा लग रहा है उसको हमें सामने जोड़ते हुए 5% एक्स्ट्रा लगेगा। तो 250 डिब्बे बनाने हैं, छोटे वाले डिब्बे भी 250 लगेंगे और बड़े डिब्बे भी 250 लगेंगे। उसकी लागत दे रखी है हमें ₹4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कीमत गत्ते की ₹4 होगी। इस तरह से 250 डिब्बे बनाने में कुल कितनी लागत आएगी ये हमको निकालना है। लिखेंगे बड़े डिब्बे की लंबाई इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बड़े डिब्बे की चौड़ाई इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बड़े डिब्बे की ऊंचाई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसीलिए बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस LH इक्वल टू 2L 25 दे रखा है इंटू बी 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5 इक्वल टू 2, जैकेट में 25 गुजा 50 500 हो गया है, प्लस
25 जा 100 प्लस 25 जा 425 प्लस करेंगे 2 × 5 = 7 × 25 = 50 और 14 ये हो गया हमारा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता हमारा एक गड्ढे को बनाने में प्रयोग होगा, लेकिन अभी अतव्याप्त हमें और लगानी है, बाद में लगाएंगे। इसीलिए 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = ये जो आया हमारा एक, इसमें हम 250 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1450 × 250 = 2 आ जाएंगे हमारी 25 × 125 = 12 कैरी हो जाएगा, 25 × 4 = 100 में 12 प्लस करेंगे 12 आएगा 2 हो गया 11 कैरी हो जाएगा, और 25 + 11 हो जाएगा 36, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, इतना दिक्कत लगेगा हमारा 250 डिब्बों को बनाने में। लिखेंगे छोटे डिब्बे की माप लिखते हैं हम सीधा सीधा = माप में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की आ जाएंगी 15 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। इसीलिए छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कुल लिख दें या संपूर्ण लिख दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये नहीं कि साथ संपूर्ण लिख दिया या कुल लिख दिया तो अंतर हो गया, दोनों का मतलब एक ही है। क्षेत्रफल = हो जाएगा 2 × 12 = 15 × 5 × 5 ये हो जाएगा, अब मैं यहां कर रहा हूं उसको, ये हो जाएगा 15 × 5 = 66 और 12 × 12 + 6 = 18 + 12 × 60 + 15 × 75 = 2 = 2 × 2 इनको प्लस करेंगे 5 आ गया 7 × 6 = 13 × 13 + 8 = 21 + 1 = 2 हो जाएगा और 2 × 1 = 3 = 0, 3 और 6 ये हो गया हमारा एक छोटे डिब्बे का संपूर्ण क्षेत्रफल 630 आया। ये हमारा है एरिया एक छोटे डिब्बे का, डिब्बे 250 है हमारे, इसीलिए 250 छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = ये जो आया इसमें हम गुणा कर देंगे 250 से 630 × 250 करेंगे गुणा 0 0 आएंगी 25 का 5 चांस के साथ 25 × 150 = 157 सेंटीमीटर² ये हो गया हमारा 157,500 सेंटीमीटर². इसीलिए 250 बड़े व छोटे
250 बड़े व छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, हम इसको और इसको प्लस कर देंगे क्योंकि ये आया हमारा बड़े वाले डिब्बों का और ये आ गया छोटे वाले डिब्बों का, दोनों को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 362,500 में प्लस करेंगे 157,500 हो जाएगा 0,0,0,0,11,12,4,5 ये हो गया 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें 5% अव्याप्तता लग रही है तो लिखेंगे 5% अव्याप्तता के लिए वांछित क्षेत्रफल इक्वल टू, इसमें करेंगे 5% क्या हो जाएगा 520,000 गुणा 5% ऐसे कर देंगे या ऐसे कर दें का 5% इक्वल टू 520,000 मल्टीप्लाई 5/100 जो जो कट जाएंगी इक्वल टू का के लिए कर देते हैं मल्टीप्लाई साइन और इसको हटाएंगे परसेंट के लिए, परसेंट को अपॉन में 100 आ जाएगा, करेंगे मल्टीप्लाई 0,0,0,26 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना कितना हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है अतिव्याप्तता के लिए, इसीलिए 250 बड़े व छोटे डिब्बों को बनाने में कुल डिब्बा बनाने में प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत इक्वल टू 4 रूपी, इसीलिए दिया गया 540,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत इक्वल टू 540,000 मल्टीप्लाई ये 4 आ जाएगा और बटे 1000 0 कट जाएंगी, बड़ा करेंगे 4×3 24 अंश के 2×4×16 और 2×18 अंश का 1×5×20 और 1×21 ये हो गया हमारा 2184 रूपए। कहने का मतलब 250-250 दोनों प्रकार के डिब्बे बनाने में हमको पैसा देना पड़ेगा 2184 रूपए, इतने रुपए में हमारे डिब्बे बनके तैयार हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।